हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि बहुत सारे ऐसे यात्री हैं जो जैसे कि उनका कोई कारण ट्रेन लेट हो जाती है 2 घंटा 3 घंटा से ऊपर, या उनका जो बोर्डिंग स्टेशन होता है उस बोर्डिंग स्टेशन पर ट्रेन नहीं आती है, कोई दूसरा रूट से डाइवर्ट होकर चली जाती है अपनी डेस्टिनेशन स्टेशन तक, या कभी कार ऐसे होता है कि बहुत सारे यात्री को अपना बोर्डिंग स्टेशन तक ट्रेन आ जाती है, इसके बाद जहां तक वो टिकट बुकिंग किए रहते हैं वहां तक ट्रेन नहीं जाती है, उनको इधर में ही उतरना पड़ जाता है 2-4 स्टेशन पहले ही। तो उस स्थिति में उन पैसेंजर को पैसा कैसे रिफंड मिलेगा? वो भी फुल रिफंड मिलता है रेलवे की तरफ से, लेकिन बहुत सारे ऐसे पैसेंजर हैं जो नहीं जानते हैं कि कैसे क्लेम किया जाता है या कैसे रेलवे से बात करें कि मेरे को मेरा अपना जितना भी टिकट बुकिंग हुआ, जितना भी मेरा अमाउंट है, और उस सबको रिफंड कैसे ले। तो आप सभी को पता होगा कि रेलवे में एक सिस्टम होता है फाइल TDR करके, आप अपना फुल रिफंड ले सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग नहीं जानते हैं कि फाइल TDR होता कैसे। इस टॉपिक पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, तो वो आप जाके देख कर मतलब आप फाइल TDR कर सकते हैं। ये आज के वीडियो में आप लोगों को मैं ये दिखाने वाला हूँ कि मैं भी एक फाइल TDR किया था, ठीक है। तो मैं आप लोगों को जो भी टिकट बुकिंग से रिलेटेड जो भी वीडियो बनाता हूँ, मैं आप सभी के सामने लाइव वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। ये नहीं ना कि मैं आप लोगों को जस्ट बता देता हूँ, बताने के बाद बस, ऐसा कुछ होता नहीं, मैं आप लोगों को लाइव दिखाता हूँ। तो आज के इस वीडियो में आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि मैं फाइल TDR किया हूँ, और मेरा फाइल TDR होने के बाद लगभग एक महीना या 45 दिन लगता है कोई भी फाइल TDR रिफंड आने में, ठीक है। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो बोलते हैं कम से कम 6 महीना या 3 महीना लग जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका रीजन परफेक्ट है तो आपको पूरा 100% पूरा फुल बैलेंस रिफंड मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में आप सभी को यही दिखाऊंगा कि मैं एक फाइल TDR किया था जिसका पूरा फुल रिफंड मेरे को मिल चुका है, और मैं एक और ट्रेन का फाइल TDR किया था, फिलहाल अभी तक उसका नहीं आया है। तो जिसका आया है उसके बारे में आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि IRCTC का रेल कनेक्ट ऐप को मैं ओपन कर लिया हूँ। ओपन करने के बाद मैं माई ट्रांजेक्शन पर क्लिक कर रहा हूँ। माई ट्रांजेक्शन पर क्लिक करते ही आप देख पा रहे हैं TDR हिस्ट्री शो हो रहा है, ठीक है। तो मैं TDR हिस्ट्री पर क्लिक करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहले ऊपर में आप देख पा रहे हैं DDN हावड़ा सुपरफास्ट का मैं TDR फाइल किया था, सेम मतलब वही ट्रेन का मैं DDR, मतलब जो RR2 हावड़ा एक ट्रेन का टिकट बुकिंग है जो 26 जून का डेट में आप देख पा रहे हैं, 26 जून 2023 जो कि आज आपका 4 अगस्त चल रहा है, ठीक है। तो लगभग एक महीना हो चुका है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, RR2 हावड़ा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मेरा इसमें TDR स्टेटस TDR अप्रूव दिखा रहा है, मतलब क्या कि मेरा जो फाइल TDR मैं किया था वो अप्रूव हो चुका है, ठीक है। इसमें आप डेट देख पा रहे हैं कि 26 जून 2023 को 3:15:15 पे मैं फाइल TDR किया था, जो कि मेरा जो रीज़न था ट्रेन लेट मोर देन 3 आवर्स एंड पैसेंजर नॉट ट्रेवल, इस पे मैं क्लिक किया था। मतलब मेरा रीज़न यही था कि मतलब ट्रेन लगभग 3 घंटे के ऊपर लेट चली थी, इसीलिए मैं क्लेम किया था, ठीक है। तो जो कि आप देख पा रहे हैं कि आरा में जो ट्रेन का टाइमिंग था लगभग 4:30 करीब में टाइमिंग था, और मैं जो मतलब TDR जो मैं फाइल किया हूँ वो लगभग 3:15, मतलब मेरा ट्रेन आने से 1.5 घंटा पहले। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि नहीं, आपका स्टेशन पे गाड़ी आने से 4 घंटा पहले अगर आप TDR फाइल करते तो ही आपको रिफ़ंड मिलेगा। तो मैं आप सभी को बता दूँ कि ऐसा नहीं होता है। आपका जैसे कि जिस स्टेशन पर से आप बुकिंग करवाए हैं उस स्टेशन पर गाड़ी 3 घंटा से ऊपर अगर लेट है तो आप उस वक्त भी आप फाइल TDR कर सकते हैं, या उसके 1-2 घंटे पहले भी आप फाइल TDR कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैं 3:15 में, जो कि ट्रेन का जो टाइमिंग है लगभग आपका 4:30 करीब में, ये आरा का टाइमिंग है, आप ट्रेन नंबर सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। आप इससे आप पता लगा सकते हैं कि ये एग्जैक्ट आरा का इसका टाइमिंग क्या है, और मैं 3:15 में किया हूँ, ठीक है। अब इसका स्टेटस स्टेप बाई स्टेप आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि मतलब कैसे मेरे को कैसे रिफंड मिला, ठीक है। तो सबसे पहले मैं गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूँ। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैं अपना रिफंड स्टेटस आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो जैसे कि आप देखिए 26 जून को मैं TDR इसमें दिखा रहा है, TDR डिटेल्स, ठीक है। इसमें देखिए टोटल A to Z आपका रीजन दिखा रहा है क्या हुआ, देखिए ट्रेन रिफंड क्लेम रीजन दिखा रहा है, ट्रेन रनिंग लेट मोर देन 3 आवर्स से दिखा रहा है, ठीक है। मेरा ट्रेन का सीट कितना नंबर था, मेरा क्या बुकिंग हुआ था, क्या मतलब कितना नंबर सीट मिला था, कितना वेटिंग बुकिंग हुआ था, पैसेंजर का नाम शो हो रहा है। आप जैसे कि देख पा रहे एकदम लाइव आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। और जो मेरा केस जो रजिस्टर्ड हुआ था रेलवे में, देखिए 4/7/2023, मतलब मैं 26 को TDR फाइल किया था और मेरा जो केस जो रजिस्टर्ड हुआ था रेलवे में वो 4/7/2023 को हुआ था। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 4/7/2023 केस रजिस्टर्ड जो हुआ था ईस्टर्न रेलवे में हुआ था, ठीक है। इसके बाद आप देखिए 15/7/2023,
ठीक है, मतलब 15 जुलाई 2023 में आप देख पा रहे हैं कि ये मेरा अप्रूव्ड रिफंड अमाउंट 740 रुपये जो मेरा लगा था रेलवे का किराया, देखिए रिफंडेबल अमाउंट यहाँ पे शो हो गया 740 रुपये, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं 740 रुपये रिफंडेबल अमाउंट 15/7/2023, मतलब देखिए एक महीना भी नहीं हुआ, 26/6 को मैं अप्लाई किया था और 15/7 को मेरा रिफंड अप्रूव हो गया, मतलब मेरे को जो मेरा रीज़न था एकदम परफेक्ट था, इसीलिए मेरे को 740 रुपये रिफंड किया जा रहा है रेलवे के तरफ से। तो देखिए 15/7/2023 को रेलवे के तरफ से पैसा रिफंड कर दिया गया, बट मेरा बैंक में जो क्रेडिट हुआ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये मैं मेरा जो बैंक में क्रेडिट हुआ, देखिए 740 रुपये आपको शो हो रहा है, ठीक है, यहाँ 740 रुपये शो हो रहा है IRCTC की तरफ से। देखिए ये 2 अगस्त को आपका मेरा बैंक में क्रेडिट हुआ है, ठीक है, 2 अगस्त लगभग बैंक का सेटलमेंट टाइमिंग डेट पीरियड जो होता है उसी में लेट हो रहा है, लेकिन रेलवे अपना तरफ से अपना टाइम पर पेमेंट क्लियर कर देता है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं बता दूं, आपको नर्वस नहीं होना है, अगर आपका रीजन परफेक्ट है, अगर आपका कोई कोच डैमेज है या आप जिस कोच में ट्रेवल कर रहे हैं वो कोच में आपका टिकट बुकिंग हुआ है, अगर आपको दूसरा कोई कोच मिल चुका है उसमें भी आप मतलब अप्लाई कर सकते हैं, या आपका बोर्डिंग स्टेशन डेस्टिनेशन एड्रेस, मतलब कोई भी दिक्कत आपको होता है तो फाइल TDR कर सकते हैं। फाइल TDR में बहुत सारा ऐसा ऑप्शन होता है जो आप यूज़ करके आप अपना फुल रिफंड ले सकते हैं, यही है, आपका रिफंड संग संग नहीं होता है, आपको एक डेढ़ महीना वेट करना पड़ता है, लेकिन आपको रिफंड मिलेगा ही मिलेगा, जैसे कि मैं आपको प्रूव करके दिखा चुका हूँ, ठीक है। तो सो आई होप कि आप सभी को मेरा ये जानकारी काफ़ी अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा अगला वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे।